हेलो गाइस, इस तरीके की ब्लैक इफेक्ट को आप इजीली अपने कैपकट ऐप से अप्लाई कर सकते हो। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। अगर आप अदर कंट्री से हो तो शायद आप में कैपकट ऐप बिना वीपीएन के चल सकता है, लेकिन भारत में दोस्तों वीपीएन लगाकर ही चलाना पड़ता है। तो सबसे पहले इस कैपकट ऐप को ओपन कर लेते हैं, और ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर से इस न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, और यहाँ पर से आपने किसी भी वीडियो को सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आप इस तरीके का ब्राउन इफेक्ट अप्लाई करने वाले हो। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पर से मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। ये वीडियो में अभी ब्लैक इफेक्ट अप्लाई नहीं है, नॉर्मल वीडियो है। तो अभी दोस्तों हम लोग सबसे पहले इस वाटरमार्क को डिलीट कर देते हैं, नहीं तो वीडियो के अंत तक चिपका ही रहेगा हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको इधर थोड़ा सा कर देना है, तो यहाँ पर आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस एडजस्ट के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, और अभी आपको थोड़ा सा अपने राइट के तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ आपको एक ग्राफिक का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, और अभी आपको यहाँ पर से जो मैं बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको इस वाले डॉट को ऊपर ले जाना है, और इस वाले डॉट को पूरे तरीके से नीचे ले आना है, और इसी तरीके से आपको रेड वाले ग्राफ पर भी करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको इस रेड वाले को भी अच्छे तरीके से ये वाला डॉट ऊपर, ये वाला डॉट नीचे कर देना है। अभी आपको इस ग्रीन वाले कलर पर भी जाकर इसको भी आपको इसी तरीके से आपको कर लेना है, और ग्रीन पर कर लेने के बाद अब यहाँ पर से आपको एक ही कलर बचेगा, ब्लू। तो दोस्तों ब्लू को भी आपको इसी तरीके से एक डॉट को ऊपर और एक डॉट को नीचे कर देना है अच्छे तरीके से। और इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर से एक बार डन कर देना है, और डन कर देने के बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है, और उसके बाद इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इफेक्ट पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से इस वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको ऊपर से बेसिक पर चले जाना है। बेसिक पर जाने के बाद आपको यहाँ से चौथे नंबर पर मिलेगा ब्लर वाला इफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ से इस ब्लर वाले इफेक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर से डन कर देना है। अभी दोस्तों इस ब्लर वाले इफेक्ट को अपने पूरी वीडियो में अप्लाई कर लेना है अच्छे तरीके से। दोस्तों पूरी वीडियो में अप्लाई हो जाना चाहिए। अब इस वीडियो को सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर में जो निशान देख रहे हो इस पर क्लिक कर देना है, ये वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जब तक वीडियो सेव हो रही है तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो दोस्तों ये वीडियो सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ पर से एक बार बैक चले जाना है, और उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर से इस वाले निशान पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों इस पर जब तक क्लिक करते रहना है जब तक आपकी वीडियो नॉर्मल ना हो जाए। दोस्तों ये देखो हमारी वीडियो जो है नॉर्मल हो चुकी है। अब हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे इस पर इफेक्ट को लगाया जाता है। तो अभी आपको यहाँ पर से इस ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से इस ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर से अपनी उस वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लेनी है जिस वीडियो को आपने अभी सेव किया था। तो यहाँ से आपको इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सेलेक्ट करके ये वीडियो ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आपको टू फिंगर की मदद से इसको अच्छे तरीके से अपने फिट स्क्रीन में अप्लाई करना है। तो इसको थोड़ा सा जूम करना है, उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ से इस स्प्लाइस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद अभी आपको थोड़ा सा राइट स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ एक बर्न वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस बर्न वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, और इसको आपको अपनी वीडियो के हिसाब से 90 के आसपास रख लेनी है। और दोस्तों इसको अराउंड आप 90 के आसपास रख लोगे तो आपकी वीडियो में जो है ब्लैक इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी सी कम रहेगी। तो मैं उसका भी तरीका बताऊंगा कि इसमें ब्राइटनेस कैसे बढ़ाया जाता है। तो अभी दोस्तों यहां से आपको एक बार बैक चले जाना है, और फिर से इस ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको ऊपर में एल्बम के बगल में एक स्टॉक वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर से आपको तीसरे वाले शेप को सेलेक्ट कर लेना है जिसका कलर है व्हाइट। तो दोस्तों इसको यहाँ पर से सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है, तो हमारी स्क्रीन में ऐड हो जाएगी। अभी इसको जूम कर लेना है। दोस्तों जूम कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से इस स्प्लाइस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको इस ओवरले वाले सेक्शन पर चले जाना है। दोस्तों ओवरले वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपकी वीडियो में थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है बढ़ जाएगा। तो अभी आपको इसको भी पूरी वीडियो में अपने अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों हमारी पूरी वीडियो में भी ये अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं वीडियो को चलाकर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों हमारी वीडियो में ब्लैक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए ऊपर में जो निशान देख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी।